नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका पोल खोल पोस्ट में। और आज हम हैं बगदरी क्षेत्र में और जिला पंचायत चितरंगी लगता है, जिला सिंगरौली। और यहाँ पर बहुत सारे लोग उचित मूल्य की दुकान पर आए थे यहाँ पर, क्योंकि गल्ला बांटा जाना है सभी को। और इसी के साथ, क्योंकि अभी सर्वर नहीं है, इन्होंने जैसा कि कोटेदार ने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का लिंक भी वेरीफाइड करना है, तो अभी ये काम रुका हुआ है। इसी बीच हम इनके पास पहुँचे और हमने ये जानने की कोशिश करी कि इस गांव में कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं, इसको लेकर हम यहाँ पर जो भी लोग हैं उनसे हम जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं इस बगदरी क्षेत्र में और किन किन सुविधाओं का मोहताज होना पड़ रहा है इनको, कौन कौन सी सुविधा है जो नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी बुजुर्ग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनके हिसाब से क्या समस्याएं हैं। तो आइए चलिए जानते हैं, आपका नाम बताइए। शिव शंकर। क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव में? समस्या का बताएं साहब, बड़ी समस्या है। तो कौन कौन सी है? पानी बिल समस्या है कई जगह, लाइट बत्ती की बड़ी भारी समस्या है। कहो यहाँ ग्राम भवन है, यहाँ घर है, लाइट बन चुकी है, वहाँ से पता चलता है कि लाइट बन चुकी है। कई एक थे वो क्षेत्र पर ऐसा, हमारे टोला कई एक थे टोला भाई, यहाँ 10-12 के टोला, हाँ 10-12 टोला में पूरा लाइट नहीं पहुँच सकल, बीच बीच में बाय, यही समस्या है। कोई भी टोले में लाइट नहीं है। और पानी, पानी के लिए कितना दूर जाना पड़ता है आप लोगों को? पानी के लिए कम से कम यहाँ वो घर इतना, मतलब 12 टोला में कितने नल होंगे? अब हमको मालूम है, नल तो है। और कोई भी, चलिए आपसे पूछते हैं, तो यहाँ पर जो पानी की समस्या है जी, तो कितनी दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है? कुछ लोग तो सर 1 किलोमीटर जाते हैं, कोई कम से कम आधा 1 किलोमीटर, कोई 100 मीटर, इस हिसाब से काम चला रहे हैं। इस गांव में जहाँ पर सब पोल टूट गए हैं, वहाँ पर विद्युत विभाग वाले आज तक पोल नहीं लगाए हैं, ना तो वहाँ पर तार तने हैं, सब गांव वाले परेशान हो रहे हैं सर। हम लोग कोटा में आते हैं सर, पता नहीं सर्वर रहता है नहीं रहता है, ये बताते हैं सर्वर नहीं है, गाँव वाले अत्यंत परेशान है। पता चलता है ये बुढ़ा इसका अंठा नहीं लगा, पर बता दूँ तुमको गला नहीं मिलेगा। हमारे पास यदि पीला कार्ड है तो बोलेंगे कि आपको 25 क्यों मिलेगा, 35 नहीं मिलेगा। हम लोग सोचते हैं पीला है 35 मिलेगा, लेकिन 25 देते हैं, किसी 20 देते हैं। जो विकलांग नहीं चल पा रहे, यहाँ नहीं पहुँच पा रहे, उनके कहते हैं तुमको गला नहीं मिलेगा, यही समस्या। और बिजली की जो भी समस्याएं हैं वो तो है ही, साथ में जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन वगैरह मिलता है? पेंशन सभी को मिलता है जो भी यहाँ पर बुजुर्ग है, 60 साल से ऊपर वाले पेंशन आपको मिलता है। तो और जैसे कि पानी की समस्या आपने बताई, तो यहाँ के सरपंच और सेक्रेटरी का नाम बताएंगे, कौन है वो? राम कुमार पनिका। और सेक्रेटरी? विश्वनाथ सिंह जी। तो ये जैसे कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र भी है जैसा आपको दिखा दें, और इसी के साथ यहाँ पर ग्राम पंचायत क्षेत्र जो बगदरी है, ये बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि जो ग्राम पंचायत है ये खुलता ही नहीं है। चलिए अब जानते हैं क्या वास्तविकता है, अब इनसे हम जानेंगे। सेक्रेटरी साहब सिंगरौली रहते हैं, कभी कोई समस्या पड़ गया किसी को तो उनको ढूंढना पड़ता है, कहाँ है क्या कर रहे हैं। वो बताते हैं कि हम मंत्री का दामाद है, ऐसा वैसा रिश्ते में ऐसे लागते हैं, कुछ नहीं कर पाओगे, जिसको जहाँ जाना है जाओ, किसी से कोई दिक्कत नहीं। हमको धमकियाँ भी देते हैं। और ये ग्राम पंचायत कितने सालों से नहीं खुला है? ग्राम पंचायत साहब जब से चला, जब से विश्वनाथ सिंह आए हैं, हम लोग नहीं जानते कब खोलते हैं, कब यहाँ आकर अपना हाजी लगा लेते हो और कब खोलते हैं। जब विशेष आवश्यकता पड़ गया तो अचानक कभी रात में कभी दिन में खोल कर अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन कोई जनता ढूंढ रहे हैं उनको तो पाते नहीं है, कहाँ है कब है। वो अपने काम से आए, गाँव वाले आए, उनको देख लिए तो अपना काम करवा लिए। यदि जिसका ये बोलते हैं साहब साहब कि आप पैसा तो नहीं, आप काम नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं। जब मान लीजिए हमको प्रसूति काम कराना है, वो बोल दिए कि आप हमको 500 रुपये दे दो, यदि काम नहीं कर पाएंगे, यदि विवाह सहायता ये वाला काम कराना है, वो सीधे कहते हैं 10,000 रुपये, नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे, जहाँ जाना है जाओ। मतलब अभी घूसखोरी भी चल रही है और लोगों को, लोग अगर काम भी पंचायत में अगर कोई भी गुहार लेके आते हैं, कोई भी काम लेकर आते हैं, वहाँ पर यहाँ इस ग्राम पंचायत में पैसे भी मांगे जाते हैं जैसा कि इन्होंने बताया। और यहाँ पर और जानेंगे कि ये बताइए कि यहाँ पर कोई भी सभाएं या होती हैं? सभा नहीं होती कभी भी। यहाँ पर कोई पंच है?
जी, तो ये बताइए, ये जो भी ये ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत आपका ये कार्यालय है, कितने बार यहाँ पर सभा रखी गई, आयोजित हुई? जी हम लोग सर 5 साल पंच हैं, 5 साल में 2-3 बार, मतलब हम 2-3 बार हम लोग मीटिंग किए हैं, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं, जितनी काम हो रहा है मनमानी हो रहा है। 26 जनवरी और जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस आता है तो झंडे फहराते हैं? वो फहराते हैं, हाँ झंडा फहराते हैं, झंडे के बाद कोई काम। और विकास की बात करें तो कोई भी विकास का कार्य करवाया जाता है उस पर चर्चा होती कि जो भी हमारा गांव है उसमें ये सुविधाएं होनी चाहिए? वो लोग कहते हैं हम लोग पैसा देकर काम करवाते हैं और मिलता है। और ये बात भी सही है जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर कोई भी छोटी मोटी समस्या लेकर जो भी यहाँ के सेक्रेटरी हैं उनके पास जाया जाता है तो वो पैसे की डिमांड करते हैं। बात ही नहीं है तो क्या हो, वाई नहीं है मीटिंग में, जब खुलता नहीं है तो आदमी क्या करे। पैसे की डिमांड करते से पैसा लेने के बाद भी लोग काम नहीं करते हैं, पैसा लेकर बैठ गए, पता चला हमारा विवाह सहायता नहीं मिल पाया तो बताते रुको रुको देखते देखते इसी से साल व्यतीत कर देते हैं, फिर बताते हैं कि अब तो लिप्स हो गया है नहीं मिल पाए। बहुत बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर, जैसा कि ग्राम पंचायत को लेकर बात करें तो कोई भी जो भी इनको बनाया गया, जो जिम्मा दिया गया सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, चाहे वो लोगों की परेशानी सुनने की बात हो, चाहे वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर ध्यान तो दिया नहीं जाता है। और उचित मूल्य की दुकान में भी लोगों का यही कहना है कि पीला कार्ड होने के बावजूद भी जो भी कार्ड इनको अलाउ होता है, 35 किलो अगर गल्ला मेंशन है तो इनको 25 किलो ही दिया जाता है। अभी भी बहुत बड़ी लापरवाही है। और एक समस्या और देखने को मिली है, इनका कहना भी ये है कि आए दिन जो भी लोग हैं उनसे ये बता दिया जाता है कि सर्वर नहीं है। और क्या वास्तविकता है आइए हम जानते हैं। आप लोग ये बताइए कि कितने दिनों से ऐसा बोला जा रहा है कि सर्वर नहीं है? देखिए सर, एक विकलांग का कार्ड है, कितना दिन से नहीं पाया है, देखिए कितना दिन नहीं पाया, एक विकलांग कार्ड है, इसका नाम है गोपाल यादव, कितने दिन इसका गला नहीं पाया था, फिर इधर दे रहे हैं इधर दे रहे हैं, अगले माह इसका सर फिंगर नहीं लगवाए, गला नहीं दिए, यहाँ तो ऐसे विकलांग है आँख से अंधा है, घर में बैठे जो चीनी मिल रहा हर कार्ड में 1 किलो, वो कार्ड में 1 किलो चीनी नहीं दे रहे हैं, जो 2 लीटर तेल मिल रहा है वहाँ 1.5 लीटर तेल मिल रहा है मिट्टी को, तो ये भी जैसा कि भ्रष्टाचार है। इसी के साथ गांव की कुछ लेडीजें हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उन क्या समस्याएं हैं इस ग्राम पंचायत में, इनका आखिर क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या क्या दिक्कत है? हम उनकी ताल के चल गए तो क्या बताएं, मम्मी आ ना मेरा आवाज को की चल गए सर, तो आवाज वगैरह भी नहीं है? नहीं नहीं आवाज मन क्या आवाज, हमन में हमन की जाति में एक आवाज नहीं आ, किसी को भी नहीं दिए गए, किसी की नहीं, हमन का 3 साल का लिखा वाला नहीं आवे, वही ना बताती हम चल गए किलोमीटर जा, सरपंच हमन के थोड़ा एक चप्पल नहीं गड़ाए, एक चप्पल हम लोग के यहाँ आज अपना पंचवर्षीय बीत गई और हम लोग पानी बिना तरस रहे हैं, नाला अगर नदी बाढ़ गई तो पानी मिलता हम लोग के लिए, हाँ अब पानी लंबा है 4 किलोमीटर लंबा है, इतना सरपंच जी बीत गई, क्या क्यों सरपंच बीत गए, नहीं पानी नहीं मेरे पास है, और कम से कम बस्ती हमारे यहाँ 100 बस्ती है, यानी सब आदमी हो चुके हैं घर के अंदर में, लेकिन पानी नहीं है, अपने पंचवर्षीय बीत गई कोई पानी नहीं है, और रोड नहीं है, निकलने खातिर अगर पानी भरा दिया तब परेशानी है उसमें जाने आने के। और यहाँ पर जैसे कि आपने कहा नदी अगर ऊपर आती है तो क्या घरों में भी पानी घुसता है? नहीं घर में घुसता है पानी, रोड नहीं बोलना है, लेकिन पानी की दिक्कत है और नाखरे की दिक्कत है, आने जाने की जो भी बहुत परेशानी है, छोटी मोटी रोडे होती है जो अंदर गलियारे में जाती है, नई रोड नहीं, नई रोड है नहीं है, अगर बीमारी पड़ गई तो आदमी मर जाएगा उसी जगह, रोड नहीं है ना पानी है मेरे पास, बीत गई। तो देखिए ये है बगदरी गांव का हाल, जहां पर लोग एक जो ग्रामीण जीवन होता है उनमें लोगों की
छोटी सी डिमांड होती है, केवल पानी बिजली और आने जाने का जो रास्ता होता है यही मिल जाए और गल्ले मिल जाए तो बस इतने में संतुष्ट होते हैं। लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि पिछले कई पंचवर्षीय बीत गए लेकिन पानी के मोहताज हो जाते हैं लोग। एक एक किलोमीटर इनको पैदल जाना पड़ता है पानी पीने के लिए, और जो भी घर है इनके घर में आने जाने के लिए जो भी रोडें होनी चाहिए, जो भी एक रास्ता होना चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं बनाया गया। आखिर पंचायत में जो लोग इलेक्ट होते हैं, जो भी जिनको भी सरपंच बनाया जाता है, वो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी उत्तरदायित्व होता है उनको, वो भूल कर और शहरों में जाकर बैठ जाते हैं, और वहीं से कोई भी छोटा सा काम होता है इन छोटे गरीबों का तो वहाँ से उन पर घूस लिया जाता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत के अंदर। भारत की अब बात करें तो सिंगरौली ज़िले के, जैसे कि हम बगदरी गांव में हैं, और ये हर गांव का की कहानी हो चुकी है। आखिर इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जितने भी जनजीवन है, जितने लोग, सभी का जीवन खुशमय होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप से प्रोवाइड करती है, बट जो यहाँ पर जो लोकल प्रशासन होता है वो ढीलापन करता है और जो गरीब होते हैं उनके पेट का हक मारा जाता है। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिवम गुप्ता। अपने सपनों को जिए खुल के नारायण ऑडियो के साथ, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते हैं ओल्ड स्टूडियो आइटम जैसे माइक, एम्पलीफायर, स्पीकर, साउंड सिस्टम, वायरलेस और भी बहुत कुछ। साथ ही ऑथराइज्ड डीलर ऑफ आहूजा स्टूडियो मास्टर एंड JBL। आज ही हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा पता है नियर गंगोत्री लॉज, सिंगरौली। मोबाइल नंबर 9826822124। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।